आइए आपके मस्तिष्क की वास्तविक क्षमता की जांच करें। आइए अपने दिमाग की तुलना कंप्यूटर से करें। आज की दुनिया में एक विशिष्ट कंप्यूटर लगभग 250,000 छवियों को संग्रहित कर सकता है। मेरी उंगली के आकार के डिवाइस पर 20,000 गाने और सैकड़ों पूर्ण लंबाई वाले वीडियो। आपसे अनजान आपका मस्तिष्क प्रति सेकंड अनुमानित 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन करने में सक्षम है। अब निष्पक्ष होने के लिए विचार करें कि आपका रक्त किस कारण से प्रसारित होता है। क्या आप इस समय अपने दिल को होशपूर्वक धड़कने के लिए कह रहे हैं? आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपके शरीर के मुख्य तापमान को आदर्श स्तर पर क्या रखता है? आपके 60 ट्रिलियन सेल प्रति सेकंड 6 ट्रिलियन ऑपरेशन के अधीन हो रहे हैं। इसे आपका अवचेतन मन कहते हैं। यह आपकी पहचान का केंद्र है। आपका अवचेतन मन कई चीजों में सक्षम है और यहाँ तक कि आपकी बिल्ली और पिल्ला की भी। यह क्या करने में असमर्थ है? बिल्कुल, यह एक वास्तविक घटना और आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं के बीच अंतर करने में असमर्थ है। वास्तव में बेतुका लगता है ना? एक बुरे सपने के दौरान क्या होता है? आप अपने दिल की दौड़, पसीने और बेकाबू चिंता के साथ जागते हैं। दुह स्वप्न आपके लिए वास्तविक था। आपका मन इस बात से अनजान था कि आप वास्तव में खतरे में नहीं हैं। आपके शरीर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसे कि आपके महसूस करने के तरीके को बदल कर वास्तव में दुह स्वप्न हो रहा था। एक पेशेवर स्कीयर जो एक कुलीन एथलीट था, एक मशीन से जुड़ा था जो एक अध्ययन के हिस्से के रूप में एथलीट की मांसपेशियों के तंतुओं को मापता था। उन्होंने स्कीयरों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी शारीरिक प्रयास के बस एक पहाड़ी के नीचे स्कीइंग की कल्पना करें। एक पहाड़ी के नीचे स्कीइंग के बारे में सोचने का कार्य वास्तव में उन्हीं मांसपेशियों के तंतुओं को विचारों से दूर कर देता है जैसे कि वे स्कीइंग कर रहे हों। इसे दिखाने के लिए प्लेसबो इफेक्ट का बार बार इस्तेमाल किया गया है। एक दवा जिसे FDA की मंजूरी मिली है और जिसे विशेष रूप से समूह ए की बीमारी के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, निर्धारित है। समूह बी को एक चीनी शॉट मिलता है, यह मानते हुए कि यह वही स्थिति है, हालांकि वास्तव में अंत में ऐसा नहीं है। जैविक दवा, दोनों आबादी ठीक हो गई है। घुटने की जांच और विकार के लक्षणों का इलाज करने के लिए ग्रुप ए की सर्जरी की गई, परिवार की मंजूरी के साथ। ग्रुप बी ने इस भ्रम के तहत एक प्लेसबो झूठा ऑपरेशन किया कि यह एक वास्तविक प्रक्रिया थी। नीकैप में केवल 3 छोटे चीरे लगाए गए थे, लेकिन कोई वास्तविक सर्जरी नहीं की गई थी। प्रक्रिया को दोनों समूहों द्वारा सफल माना गया। वास्तव में अध्ययन के अनुसार प्लेसिबो प्रभाव, जिसके बारे में माना जाता है कि यह काम पर शल्य चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपचारों में से कम एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है। प्लेसिबो प्रभाव एक और अवधारणा है जिससे अधिकांश लोग अनजान हैं। प्लेसिबो प्रभाव मूल रूप से विपरीत है। रोग को रोकने के बजाय मन इसे बनाता है। यह एक हाइपोकॉन्ड्रिक का वर्णन करता है। वे रोग के लक्षणों को भुगतते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। निचला रेखा, जो कुछ भी आप अवचेतन रूप से मानते हैं वह आपकी दुनिया में प्रकट होगा। इस तरह सम्मोहन काम करता है। सम्मोहनकर्ता द्वारा विषय के अवचेतन में धारणा को प्रत्यारोपित किया जाता है और वहां जो कुछ भी संग्रहित किया जाता है वह विषय द्वारा अनुभव किया जाता है। जब कोई सोचता है कि उसकी बाह पर मकड़ी है तो उसकी आंखें वास्तव में वहां एक मकड़ी का पता लगा लेती है। एक उल्लेखनीय प्रदर्शन तब होता है जब सम्मोहक अपनी उंगली पकड़कर अपने रोगी के पास जाता है। वह विषय को समझाते हैं कि उनकी उंगली जल रही है और गर्म हो रही है।
जब सम्मोहक धीरे से विषय की बाह को छूता है तो वास्तव में एक छाला दिखाई देता है जहां उंगली त्वचा को छूती है। इसे समझना सभी प्रकार के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र इच्छा, जैसा कि हम वर्तमान में समझते हैं, यह अनिवार्य रूप से असत्य है। वास्तव में आप केवल यह चुनते हैं कि 2 से 4% समय क्या करना है। चुनाव वास्तव में आपके द्वारा किया जाता है। आप ऑटोपायलट पर 96% से 98% समय पर काम कर रहे हैं। 96 से 98% बार आप अचेतन के आधार पर निर्णय लेते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या आप आइसक्रीम के प्रशंसक हैं? अगर आप करते हैं तो अपनी उंगलियां तोड़कर इसका आनंद ले लड़ो। क्या आपको खेल देखने में मजा आता है? अपनी उंगलियों को थपथपाकर इसे चखना बंद करें। बिल्कुल भी नहीं। हमारी हर इच्छा और क्रिया आमतौर पर किसी ऐसी चीज का परिणाम होती है जो ज्यादातर हमारे अवचेतन मन के 96% से 98% के दायरे में संग्रहित होती है। हम जीवन में उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो मुख्य रूप से हमारे अवचेतन मस्तिष्क के पीछे होती है। क्या होता है जब आप एक नया वाहन खरीदते हैं? अगले 2.5 हफ्तों के लिए यह एकमात्र ऑटोमोबाइल है जिसे आप सड़क पर देख सकते हैं। अपनी कार खरीदने से पहले आपने अन्य सभी वाहनों को देखा तो उनमें से किसी ने भी आपका ध्यान क्यों नहीं खींचा? यह देखते हुए कि आपने खुद कार नहीं खरीदी, हालांकि आप स्वयं इस पर विचार नहीं कर रहे थे। आप जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो आपके मन में है। इस प्रकार अचेतन विज्ञापन इतनी अच्छी तरह से काम करता है। वे 10 से अधिक देशों में विज्ञापन के रूप में प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वे कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तब आपके अवचेतन मन को क्या आकार देता है? क्योंकि जो आप अपने दिमाग के पिछले हिस्से में जमा करते हैं वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है। आपका अवचेतन मन व्यावहारिक रूप से आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चीज से आकार लेता है, जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो आप करते हैं, कान, गंध, स्वाद और अनुभव। आइए टेलीविजन के संबंध में कुछ विवरणों की जांच करें। यहाँ एक डरावना आंकड़ा है। जब तक एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय पूरा करता है तब तक टीवी पर अनुमानित 8,000 फर्जी हत्याएं दिखाई जा चुकी होती है। हॉलीवुड या कार्टून को आपको गुमराह न करने दे, वे सभी अपने विचारों में फिर से उभर रहे हैं। उन्हें इन अत्यंत भयावह छवियों से भर रहे हैं। मासूम बच्चों के कार्टून के निर्माण के पीछे बहुत उज्जवल व्यक्ति अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान हिंसा को बच्चों के दिमाग में प्रसारित कर रहा है, जब उन्हें करुणा और समझ सिखानी चाहिए। बहकावे में ना आएं। आप रेडियो पर कौन सा संगीत सुन रहे हैं? आपके विचार से हर एक शब्द या विचार की अपनी अनूठी कंपन आवृत्ति होती है। सकारात्मक शब्दों में उच्च कंपन आवृत्ति होती है, जबकि नकारात्मक शब्दों या इरादों की आवृत्तियां कम होती है। कंपन आवृत्तियां है लेडी गागा के गाने का टाइटल बैड रोमांस है। गीत में शामिल है, आप मेरे होने का नाटक कर सकते हैं। आप बदसूरत होना चाहते हैं। मैं आपकी भलाई की कामना करता हूँ। मुझे एक बेहतरीन रोमांस चाहिए। यह हमारा दिमाग है जो हमें बनाता है। हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं, इस बारे में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। संगीत सुनते समय बुद्धिमानी से चुने, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए सुंदर और सहायक दोनों हो सकता है। जब मैं एक बच्चा था, मारियो और लुइगी कछुओं के सिर पर कूदते हुए वीडियो गेम में अधिकांश हिंसा का गठन करते थे। आज हमारे युवा वही खेल खेलते हैं।
उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है और इन भयानक अविश्वसनीय रूप से ग्राफिक छवियों के परिणाम स्वरूप उनके अवचेतन मन में गहराई से डूबने के परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से और धीरे धीरे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। कोई यह दावा नहीं कर रहा है कि इस गेम को खेलकर वे बाहर जाकर किसी को गोली मार देंगे, लेकिन उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। गपशप के परिणाम क्या है? गपशप करने के लिए आपके दिमाग में एक बुरी याददाश्त या एक बुरी अवधारणा होनी चाहिए। आप न केवल उस अप्रिय स्मृति पर विचार करते हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति के साथ भी चर्चा करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क की जैव रसायन बदल जाती है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को आपके रक्त में छोड़ देता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं को अपना काम करने से रोकता है और संक्रमण से लड़ता है। खतरा बढ़ जाता है, वजन बढ़ाता है और प्रोत्साहित भी करता है। सब आपके विचारों और अफवाहों पर आधारित है। याद रखें, आप खुद को चोट पहुंचाए बिना गपशप नहीं कर सकते। हालांकि आप जिस भी चीज के संपर्क में आ सकते हैं, उसमें से आपके विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। औसतन हमारे पास एक दिन में 60,000 विचार होते हैं, और सच्चाई यह है कि उनमें से अधिकांश न केवल कल के विचारों की पुनरावृत्ति है, बल्कि नकारात्मक भी है, जो कि भविष्य या अतीत में कुछ गलत होने का डर है। जैसे ही हमारे मन में ये नकारात्मक विचार आते हैं, हम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं। अपने रक्त प्रवाह में कोर्टिसोल छोड़े। यह हमारा मन है जिसे मैं बनाता हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ स्थितियाँ उन्हें चिंतित, तनावग्रस्त या उदास कर देती हैं। यही स्थिति है। पूरे ब्रह्मांड में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें किसी को भी चिंता करने की शक्ति हो। स्थिति के प्रति आपकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, न कि स्वयं स्थिति, आपको चिंतित महसूस करा सकती है। यह समझना जरूरी है। एक व्यक्ति का मस्तिष्क अपने रक्त में एंडोर्फिन, फील गुड केमिकल क्यों छोड़ता है, जबकि दूसरे का मस्तिष्क स्काईडाइव के बाद कोर्टिसोल छोड़ता है? स्थिति वही है। ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति का साथी दूसरे में तनाव पैदा करते हुए एक व्यक्ति को उत्तेजित कर सकता है? यह इस तथ्य के कारण है कि चिंता हमेशा इस बात का परिणाम होती है कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चिंता एक ऐसी चीज है जिसे आप पैदा करते हैं, परिस्थिति नहीं। जब आप अवधारणा को पूरी तरह से समझते हैं, तो आप पहचानते हैं कि आप अपनी चिंता का प्रबंधन कर रहे हैं, न कि कोई परिदृश्य। यह सबसे सशक्त भावनाओं में से एक है जिसे आप कभी भी महसूस करेंगे। आपका जीवन आपके विचारों से निर्धारित होता है। आपके विचार वही हैं जो आप बनाते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से चुनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारी सभी नवीनतम सामग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए अपनी सूचनाएं चालू करें।